नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके समक्ष हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में चर्चा का विषय लेकर आया हूं, जिसमें आज आपको बताऊंगा कि हनुमान जयंती किस तिथि को है और पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह कब है, इसकी व्रत और पूजा विधि क्या है और इसकी पौराणिक कथा क्या है। इस समस्त के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान जयंती भगवान हनुमान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इस दिन भक्तगण बजरंग बली के नाम का व्रत रखते हैं। प्रत्येक वर्ष हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। हालांकि कई स्थानों पर यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन भी मनाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी पौराणिक कथा क्या है। हनुमान जी की जो माता थी अंजना, वह एक अप्सरा थी। हालांकि इन्हें एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा और यह श्राप उन पर से तभी हट सकता था जब वह किसी संतान को जन्म देती। वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी के जो पिता थे वह केसरी थे। वह सुमेरु नामक एक स्थान के राजा थे और केसरी बृहस्पति के पुत्र थे। अंजना ने संतान प्राप्ति के लिए 12 वर्षों तक भगवान शिव की घोर तपस्या की और परिणाम स्वरूप अंजना ने शिव अंश हनुमान जी को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। तो इस वजह से हनुमान जी का जन्म हुआ। तो इस दिन से हनुमान जयंती एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस बार हनुमान जयंती 27 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार को है। तो जो पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है वह 26 अप्रैल 2021 दिन सोमवार को दिन में 12:46:12 से प्रारंभ हो रही है और इसकी समाप्ति अगले दिन 27 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार को सुबह 9:03:15 पर है। तो आप 9:03:15 से पहले आप पूजन कर सकते हैं। तो अब आपसे चर्चा करूंगा कि इसकी व्रत और पूजा विधि क्या है। इस दिन तात्कालिक तिथि यानी राष्ट्रव्यापिनी को लिया जाता है। व्रत से पूर्व रात्रि को जमीन पर सोना चाहिए और जमीन पर सोने से पहले भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी का स्मरण जरूर करना चाहिए। प्रातः जब आप उठते हैं, उठते ही आपको दोबारा से भगवान राम, माता सीता और भगवान हनुमान का स्मरण करना चाहिए और भोर काल में उठकर स्नान कर अपने हाथ में गंगा जल लेकर इस व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद मंदिर में पूर्व दिशा की ओर भगवान हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करें और विनम्र भाव से भगवान हनुमान जी की आराधना करें, उनसे प्रार्थना करें। उसके बाद षोडशोपचार की विधि विधान से श्री हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। इनके साथ साथ भगवान राम, माता सीता की भी आराधना इस दिन की जाती है। गरीबों में दान कर भी आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो यह हनुमान जयंती के संबंध में कुछ जानकारी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह पसंद आई होगी। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।